जम्मू कश्मीर के मामले को लेकर अपने पद से इस्तीफा देने वाले आईएएस अधिकारी कनन गोपीनाथन के बाद एक और आईएएस अधिकारी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कर्नाटक के 2009 बैच के आईएएस अधिकारी एस शशिकांत सेंथिल ने अपने पद से इस्तीफा दिया। वे वर्तमान में दक्षिण कन्नड़ जिले के उपायुक्त का पदभार संभाल रहे हैं। इस्तीफा देते हुए उन्होंने कहा कि उनके लिए ऐसे समय पर प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर कार्य करना अनैतिक होगा, जब लोकतंत्र के मौलिक निर्माण स्तंभों से समझौता किया जा रहा है। सेंथिल ने आगे कहा, आने वाले दिन राष्ट्र के मूल ताने बाने के लिए बेहद कठिन चुनौतियां पेश करेंगे। उनके लिए इस समय अपने काम को जारी रखने के लिए आईएएस से बाहर होना बेहतर होगा। उन्होंने दक्षिण कन्नड़ जिले के उपायुक्त के तौर पर जून 2017 को पदभार ग्रहण किया था। वह जिले के अब तक के सक्रिय उपायुक्त के तौर पर देखे जाते रहे हैं। 40 साल के सेंथिल तमिलनाडु से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने तिरुचिरापल्ली के रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ भारतीय सदर्न यूनिवर्सिटी से फर्स्ट डिवीजन में बीई की पढ़ाई की थी। उन्होंने 2009 से 2012 के बीच बल्लारी में सहायक आयुक्त के रूप में कार्य किया। शिवमोग्गा जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की 2 कार्यकाल तक जिम्मेदारी निभाई। सेंथिल चित्र दुर्ग और रायचूर जिलों के उपायुक्त के तौर पर काम कर चुके हैं। इसके अलावा वे नवंबर 2016 में खान और भू विज्ञान विभाग में निदेशक का कार्यभार संभाल चुके हैं। उनसे पहले अगस्त में आईएएस अधिकारी कन्नन गोपीनाथन ने कश्मीर मसले पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा था कि वे प्रशासनिक सेवा में इस उम्मीद से शामिल हुए थे कि वे उन लोगों की आवाज़ बन सकेंगे जिन्हें खामोश कर दिया गया, लेकिन यहाँ वे खुद की आवाज़ गवा बैठे हैं। वे अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वापस चाहते हैं। वे अपनी तरह से जीना चाहते हैं, भले ही वे एक दिन के लिए ही हो। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।